हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का अचार और इसको आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्ची ले ली हैं और इसको अच्छे से धो के और इसका पानी एकदम सूखा दिया है और सारी डंठल तोड़ दी हैं और इसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी मिर्ची को मैंने कट करके रख लिया है पहले से ही। ध्यान रहे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे ये नींबू का रस है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बचा लेते हैं बाद के लिए। और ये हल्दी का पाउडर है 1 चम्मच, और मैंने आधा यूज़ किया है, आधा बाद में यूज़ करेंगे। नमक थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि अभी हम इसको केवल मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसलिए। तो इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ऐसे ही। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसमें मैं डाली हूँ मेथी 1 बड़ा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, और ये सौंफ है ये 4 बड़े चम्मच है, और ये कलौंजी या फिर आप इसको जो भी बोलते हैं वो है। और इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कि मसाले हमारे एकदम ड्राई भी हो जाएं और हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा बिल्कुल हमें इसको नहीं करना है, नहीं तो मसालों में कड़वाहट आ जाएगी। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और यहाँ पर मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं। तो मेरे पास पीली वाली जो सरसों हैं वो मैंने डाली है, तो आप काली वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस गैस की फ्लेम बंद है और इसको हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल लिया है। अभी इसमें हम कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पर हींग मिला रहे हैं 1/4 चम्मच, अमचूर का पाउडर 1/2 चम्मच, और ये हल्दी है जो बची हुई थी वो भी डाल दी है, और ये काला नमक 1 बड़ा चम्मच, और ये नमक है थोड़ा सा बचा लेंगे, अगर लगेगा कि कम है तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च का पाउडर है ये 1 चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, तो बहुत मोटा भी नहीं चाहिए और बहुत एकदम पाउडर जैसा भी नहीं। तो ये देख सकते हैं कैसे मैंने पाउडर जैसा बनाया है, लेकिन बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। अभी हम मिर्च को भरेंगे। तो मिर्च हमारी 1 घंटे हो गए हैं रखे हुए, तो जितना हमें बनाना है उस हिसाब से हम मसाले निकाल लेंगे, क्योंकि मसाले ये बहुत ज़्यादा हैं, हम सारा इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इनको आप एयर टाइट डिब्बे में भर के अलग रख सकते हैं, जब भी आपको बनाने हो मिर्च आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी और भी अचार में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बचा हुआ नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल है सरसों का डाला है, सरसों के तेल की ही खुशबू अच्छी आती है किसी भी अचार में। ये हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा गीला लग रहा है तो थोड़ा मसाला हम और डाल देते हैं, अब जो बचेगा तो हम बाद में और मिर्ची में भर लेंगे इसको। मसालों को मिलाकर इसको एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें जिससे कि नमक कम है कि ज़्यादा है वो पता चल जाएगा। कम है तो थोड़ा सा नमक जो बचा था हम वो भी डाल देते हैं, क्योंकि अचार में नमक कम नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम भर लेंगे। तो एक एक मिर्ची लेकर थोड़ा थोड़ा मसाला लेके हम इसमें भरते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारी मिर्ची को भरेंगे। ध्यान रहे जब भी आप अचार बना रहे हैं तो आसपास पानी ना हो, आपके हाथ एकदम सूखे हो, और जो भी आप बर्तन इसमें यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए वो भी बिल्कुल सूखे होने चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि पानी बिल्कुल भी ना हो। तो सभी मैंने मिर्ची को भर लिया है। ये मिर्ची एकदम 2-3 घंटे में खाने के लिए रेडी हो जाएगी। मसाला बच गया है तो हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे अचार बनाने के लिए, और इसको आप स्टोर कर काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूखा जार लिया है, इसको अच्छे से धुल के धूप में सूखा लिया है और इसमें हम भर देंगे। अगर इसको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसमें सरसों का तेल हल्का गर्म करके फिर ठंडा कर लीजिए और फिर इसमें ऊपर तक भर दीजिए। लेकिन ऐसे ही आपको ज़्यादा दिन नहीं खाना है, ताज़े ताज़े बनाकर खाने हैं, तो आप बिना तेल डाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने के
अंदर इसको आप ख़त्म कर लीजिए, आराम से एक महीने चल जाते हैं। अगर लंबे समय स्टोर करना है तो फिर इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिए और अच्छे से हिला दीजिए। चाहें तो 2-3 दिन धूप में भी रख सकते हैं, सूखा दिखा सकते हैं धूप भी, पर ये ऐसे भी आराम से चल जाएंगे। तो थोड़ा सा तेल मैं डाल रही हूँ बस, क्योंकि मुझे इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रखना है। और फिर हम इसको बना लेंगे ताज़ा ताज़ा खाने के लिए, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मिर्च का अचार देखिए बनकर तैयार है और अभी ही ऊपर तक भरा है। थोड़ा सा जब ये सॉफ्ट होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। तो मिर्च का अचार बिल्कुल रेडी है। आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये मिर्च का अचार आप रोटी पराठा या नॉर्मल जो भी आप रेगुलर खाना खाते हैं उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।